बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज एक नया ऐड पीपीएससी ने जो डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए दिया है, जिसकी 154 सीटें हैं और काफ़ी सारे जो बच्चे और बच्चियां थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसका फलाना ऐड कौन सा है, इसमें क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है, ये है वो है। तो इसमें हमें ज़रूरत है कि पहले वाले ऐड को हम देखें कि पहले वाले ऐड में क्या चीज़ थी, अब जो रिवाइज़ किया है इन्होंने ऐड उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की है, ताकि आपके माइंड की क्लैरिफिकेशन हो सके। और दूसरे नंबर पे आज मैं इन सारी चीज़ों को एक तो क्लियर करता हूँ, दूसरे नंबर पर सवाल ये था कि सिलेबस इसका क्या क्या होगा और इसकी तैयारी का क्या प्लान होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सारे सवालों के आपके जवाब इसी सेशन में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आप पुराना ऐड देखते हैं जो फरवरी में आई थिंक आया था, 6/2019, यानी कि ऐड नंबर 6 था और 2019 का ये फरवरी का था। इसमें इन्होंने क्या अनाउंस किया था, 154 सीटें थी और उस वक्त ओपन मेरिट में थी 39, स्पेशल पर्सन के लिए 9 थी, मिनॉरिटी के लिए कोटा 8 का था और वोमेन के लिए 67 थी। और इस तरीके से जो स्पेशल जोन कोटा था वो 31 का था। इस तरीके से सारी डिस्ट्रीब्यूशन थी टोटल की। तो जो ओपन मेरिट की थी वो 39 तो सबको मतलब उस पर सब के लिए थी, और स्पेशल जोन कोटा जो है ये पीपीएससी के ऐड में, अब इसका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि स्पेशल जोन कौन कौन से हैं जिनके लिए ये इन्होंने कोटा मुख्तस किया। बाकी जो है स्पेशल पर्सन के लिए 9 है, मिनॉरिटी जो है उनके लिए 8 है और वोमेन के लिए भी 67 है। तो ये इस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस पोस्ट का नाम क्या है, डिप्टी अकाउंटेंट और बीपीएस 16 की ये पोस्ट थी और ये रेगुलर बेसिस पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, रेगुलर जो अपॉइंटमेंट होगी जिनकी वो रेगुलर होंगी। अच्छा, उस वक्त जब पहली दफ़ा इन्होंने ऐड दिया था उस वक्त क्वालिफिकेशन इन्होंने सिंपल और सिंपल बीए सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहा था। इसके अलावा उस वक्त कोई भी एलिजिबल नहीं था अप्लाई करने का, ये पहली दफ़ा जब इन्होंने ऐड दिया था। अच्छा, उसके अलावा जब एज की बात की जाए तो मेल के लिए इन्होंने एज मुख्तस की थी 18 से 25 और 5 साल के लिए रिलैक्सेशन थी 30 साल के लिए जो मेल थे, और फीमेल के लिए 18 से 25 थी और इनको 8 साल की रिलैक्सेशन थी। इस तरीके से टोटल इनके लिए जो एज है फीमेल के लिए वो 33 बनती है। अच्छा, जेंडर कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं, वो हैं मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर कोई अगर है तो उस तरह, और डोमिसाइल सिर्फ पंजाब के लोग ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो विद इन पंजाब कहीं पर भी उनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। अच्छा, इस पे इसके बाद आगे चल के सिलेबस की बात अगर की जाए तो MCQs टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा और टाइम अलाउड 90 मिनट्स होगा, कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जो गैर मुस्लिम है उनके लिए इथिक्स यानी कि जो इथिक्स अखलाकियात है वो सब्जेक्ट उनके लिए इंक्लूड होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज में बात की जाए तो जियोग्राफी के सवाल होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश के होंगे और उर्दू, इसके अलावा एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी, ये सारे के सारे इस तरीके से होंगे। और अगर कोई स्पेशल पर्सन है तो उनके लिए एग्ज़ाम में उनको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये तो था पहली दफ़ा ऐड। अब सिलेबस का आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे, और हम जो बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर की या इंस्पेक्टर FIA इंस्पेक्टर ASF की तैयारी करवा रहे हैं वो सिलेबस ही इसके काम आएगा। तो जो ऑलरेडी हमारा कोई ना कोई कोर्स है उसमें से इंस्पेक्टर FIA का या इंस्पेक्टर ASF का ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको मज़ीद दोबारा इस कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी पे इक्तफा करें, वो उसमें ही कंप्यूटर का पार्ट भी हम ऐड कर देंगे और बाकी उर्दू का भी कुछ देखेंगे कि अगर हमें रेलिवेंट कुछ कंटेंट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ आप ये छोटा सा पार्ट आप खुद तैयार कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स भी और क्विजेस भी इंपॉर्टेंट जो MCQs वगैरह हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, वेबसाइट से ही आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लेक्चर्स को प्रेफरेंस दें। ये तो था पहला ऐड। अब हम चलते हैं जो नया ऐड है अभी आया है, तो यह नया ऐड है जो 30 तारीख आज अक्टूबर की है और
यहाँ पे आज का जो ऐड है पार्शियल मॉडिफिकेशन वाला, आप उसको ओपन करें तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाता है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे ही आपको ये मिलेगा और पार्शियल मॉडिफिकेशन के नाम से है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2019 और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ट्रेजर एंड अकाउंट्स सर्विस, जहाँ पे इनको ये सारी जो ऑफिसर चाहिए उनके लिए ही ये ऐड है। अच्छा हम पढ़ लेते हैं इस ऐड को। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2009 पब्लिश्ड ऑन 21 फरवरी 2019, तो ये उसी का है, ये जंग न्यूज़ में आया था उस वक्त और उसका सीरियल नंबर था उस वक्त 52, केस नंबर था 4RA 2019 यानी के, और इसकी 154 सीटें थी और डिप्टी अकाउंटेंट नाम था और BPS 16 ऑन रेगुलर बेसिस। इन फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ट्रेजरर एंड अकाउंट सर्विसेज, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसेस दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ अमेंडेड द क्वालिफिकेशन एंड रिवाइज द नंबर ऑफ पोस्ट एज अंडर। एक तो क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट को रिवाइज किया है। क्वालिफिकेशन अब क्या चाहिए होगी, ग्रेजुएशन सेकेंड भी उन्होंने चाहिए फ्राम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। और आगे इन्होंने मजीद क्लैरिफाई किया है कि कैंडिडेट्स हैविंग आइदर डिग्री अंडर 4 ईयर्स प्रोग्राम और 2 ईयर्स ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन विद द डिसिप्लिन मे अप्लाई विद एनी डिसिप्लिन मे अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। तो किसी भी डिसिप्लिन का है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएस है या बीबीए है, कुछ भी किया हुआ है उसने, ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकता है, क्लियर इसमें लिखा हुआ है। अच्छा इसमें अब जो सीटों की जो है वो अमेंडमेंट हुई है, अब ओपन मेरिट में 41 होंगी और स्पेशल पर्सन के लिए पहले भी 9 थी अब भी 9 है। पोस्ट रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज़ ये कम हुई हैं, 6 हैं अब। पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन 67 पहले भी थी अभी भी है। तो इस तरीके से इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। अच्छा नोट 3 में अब स्पेशल जोन का भी बता दिया है, 31 पोस्ट स्पेशल जोन कोटा हैव बीन विद हेल्ड टिल द डिसीजन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। ये अब पेंडिंग है, ये 31 जो है ये पेंडिंग है जब तक लाहौर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता। इसके अलावा नोट 4 में क्या कुछ कहा गया है कि फ्रेश कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन और बिफोर 14 नवंबर 2019, यानी कि आखिरी डेट जो अप्लाई करने की है, जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था अब उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 14 नवंबर से पहले या 14 नवंबर तक उस डेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है ये भी सवाल का जवाब हो गया कि अब नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले लोग हैं उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कंसीडर पहले से ही कर लिया जाएगा। और इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट मैंने बात आपसे कहना है कि PPSC क्लोजिंग डेट के बाद इतना टाइम ज़्यादा अलाउ नहीं करती। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस जॉब के लिए ख्वाहिशमंद हैं, ग्रेजुएट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको चाहिए कि फौरन से तैयारी स्टार्ट कर दें। कल हमारी कल 31 अक्टूबर हो जाएगी और 1 से इसकी क्लासेस एग्जैक्टली कल से, बल्कि आज से जो इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि हमारा कोर्स तो अवेलेबल है, कल तक मैं उसको एक्सेस भी और एक अलग से जो है उसका PPSC के अंडर जो है एक नया कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगा वेबसाइट के ऊपर और आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को शायद कुछ को इंटीमेशन नहीं होगी, हमने 31 अक्टूबर तक जितने भी कोर्सेज थे उन पे काफ़ी सारी फ़ीस में कंसेशन की हुई थी। तो अब BS 16 के लिए हमने 3000 की बजाय 2000 की हुई थी। तो अब जो लोग इसमें आएंगे डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो डेट है 31 अक्टूबर की बजाय 1 नवंबर तक मैं उन्हीं पे ही कंसीडर करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कम फीस में एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद फीस नॉर्मल हो जाएगी। तो आप में से जो भी अप्लाई करना चाहता है तो वीडियो लेक्चर से ही आपके कंसेप्ट बनेंगे, अदरवाइज़
कोई चीज़ नहीं याद होती, बुक्स कोई ऐसी अवेलेबल नहीं है जो आपको बोल के समझा सके, तो हम वैसे भी क्लासिकल जो क्लास लेने का तरीक़ाकार है, मतलब क्लास जब तक नहीं होती, कोई टीचर हमें पढ़ाता समझाता नहीं, हमें समझ बात आती भी नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आउटस्टैंडिंग लोग होते हैं या ख़ुद से सेल्फ स्टडी में उसकी बड़ी प्रैक्टिस होती, वो कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा लोग कोई बहुत उनकी कम रेश होती वो कर सकते हैं, अगर कोई खुद सेल्फ स्टडी से कर सकता है तो ऑल बेस्ट होता है, लेकिन अगर टाइम शॉर्ट हो और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करनी हो तो आपको कोई ना कोई फोरम ही आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली आप दूसरों से कम्पीट करना होता है। तो आपको सेल नंबर मेरा अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है 0333-570-6226। और अगर आप वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए, harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। हमारा सारा का सारा कोर्स ऑनलाइन होगा, कोई आपको फिज़िकली कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, कम फीस में आप किसी भी टाइम लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ग्रिप है, और एक बड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे से आपको हर जगह पे क्लास अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई क्लास मिस हो जाती है, आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो बेस्ट फोरम से आप ज़रूर इस्तेफादा हासिल कीजिए। और मुझे अब दीजिए इजाज़त, अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इसके अलावा मैं एक दो ग्रुप नए बना देता हूँ डिप्टी अकाउंटेंट के नाम से, व्हाट्सएप ग्रुप, और आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप भी मैं बना देता हूँ, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूँगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।